मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह क्षेत्र से आए बेरोजगार युवाओं ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से रोजगार की गुहार लगाई। बेरोजगार युवाओं का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो सीखो कमाओ योजना के तहत हमें रोजगार दिया था, वो योजना बंद कर दी गई है और हम फिर से बेरोजगार हो गए हैं। मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तब सरकार ने चुनाव से पहले 2023 में बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए सीखो कमाओ योजना चालू की थी, जिससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार और हुनर सीखने का मौका मिल सके। जोर शोर से शुरू की गई इस योजना ने एक साल में ही दम तोड़ दिया है। अब ये योजना बंद कर दी गई है, जिससे हजारों युवा बेरोजगार हो गए। शिवराज सिंह चौहान को अपना वादा याद दिलाने के लिए उज्जैन के युवा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर पहुंचे। बेरोजगार युवाओं ने कहा कि हमें बस इतना कहना है कि आपकी चलाई गई योजना बंद कर दी गई है और हम फिर से बेरोजगार हो गए हैं, हमें रोजगार दिलाइए। हालांकि अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र में कृषि मंत्री हैं और उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं है। हमारी ये मांगे है कि हमें एक साल पहले जो किसी को कमाई योजना में ट्रेनिंग मिली थी, उसमें शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि हमें एक साल की ट्रेनिंग के बाद नियमित रोजगार दिया जाएगा, पर अब हमारा एक साल हो गया और हमें कोई रोजगार नहीं मिला, हमें बेरोजगार कर दिया गया। हमारी मांग यही है कि हमें नियमित रोजगार दिया जाए। मामा जी ने एक साल पहले योजना शुरू करी थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जिसमें हमें जॉब दी गई थी। तो एक साल पूरा ट्रेनिंग हो गया है और मामा जी ने हमसे आश्वासन दिया था कि आपको एक साल बाद आपको हटाया नहीं जाएगा, और आज हमें 31 अगस्त को बाहर कर दिया है। और बाहर मामा जी से हमारी यही मांग है कि मामा जी जो हमें आश्वासन दिया था कि आपको एक साल बाद नियमित किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, आज हमें रोजगार नहीं है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और पूर्व मुख्यमंत्री जी से मामा जी से यही मांगे कि हमें रोजगार दीजिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।